अपने परिवार का एक आर्थिक सशक्तिकरण कर सके और एक समाज में आदर्श स्थापित कर सके, इस प्रकार की प्रेरणा आप इन लोगों को प्रदान करेंगी। तो मैम के लिए जोरदार तालियां। 30 से 35 वर्ष हो चुके हैं सर, 1992 में नाबार्ड ने सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजीज को शुरुआत की थी और आज ये सीन है कि भारत पूरे भारतवर्ष के 2 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज, लोग नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज आज इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। मतलब हम बात करेंगे तो हम पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं और 2 करोड़ ये क्या है, ज्यादातर ये मतलब महिलाएं हैं जो कि जुड़ी हुई हैं एसएचजी से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से। और मैं हमेशा जब भी बात करती हूँ आप लोगों से, गांव की जो महिलाएं हैं, आप लोग तो फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा चेंजेस आए हैं, अदरवाइज मैं उनसे कहती हूँ कि 20 साल में एटलीस्ट वो जो घूंघट यहाँ था ना, वो एटलीस्ट यहाँ आ गया, तो दुनिया को देख तो पा रहे हो। पहले तो गाँव की महिलाओं की ये स्थिति थी कि पर्दा इतना इतना तो ना जाने क्या तो दिखे, क्या वो समझें और क्या हम उनको समझा पाए, मतलब वो जो कम्युनिकेशन था वो मुश्किल था। मैम आपने जो विश्वास दर्शाया है और जो मार्गदर्शन दिया है उसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे और इस बात के लिए हम आश्वस्त करते हैं कि इस ट्रेनिंग को हम इम्पैक्टफुल बनाएंगे और साथ में ऐसी जो महिलाएं जो ट्रेडिशनल सिलाई जानती हैं लेकिन उनके हुनर में एक आधुनिक और नवीन तकनीकी के साथ में चीज़ों को नया स्वरूप देने का एक माइंड, साथ में इनको मार्केटिंग किस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकती हैं, किस तरीके से उनको मार्केटिंग करके आगे बढ़ सकती हैं, इस तरह का प्लान हमने सेठा सिंह जी के यहाँ पूरा का पूरा इनके जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनके साथ डे प्लान बनाया है, प्रतिदिन की गतिविधि और किस तरीके से हम इसको पूरा इम्प्लीमेंट करके और एक परिणाम तक पहुँचाएंगे वो पूरा पार्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैम आज मुझे जान के काफ़ी अच्छा लगा कि नाबार्ड की तरफ से, नाबार्ड का हमने भी नाम सुना हुआ था लेकिन आज मैडम से विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। तो ये मातृशक्ति आप लोगों को मतलब सशक्त करने के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अब आप देखिए गवर्नमेंट भारत सरकार आप लोगों के लिए कितना कर रही है, क्योंकि नाबार्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही पार्ट है ना, आपके घर पर आके ट्रेनिंग दे रही है। अधिकतर आप सभी बहनों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था तो उन्होंने बताया था आप शायद नियर बाई एरिए से है सभी से, तो आपको गवर्नमेंट आपके घर पे आके ट्रेनिंग दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलैक्स रहे और एक फॉर्मेलिटी करके चले जाए। जैसे मैम ने बताया कि आप ट्रेनिंग लीजिए और आप अगर ट्रेनिंग अच्छी लेगी तो आपका बेस मजबूत होना जरूरी है। सेशंस आपने यहाँ पे मुकुल जी के साथ हमारे साथ प्लान किया, मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूँ कि जो ट्रेनिंग हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं और जो महिलाएं हमारे साथ ट्रेनिंग सीखेगी वो उनको हम हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों के कई कोनों में जो ये प्रोडक्ट्स बनाएगी या जो भी उत्पाद बनाएगी उनको पूरी रूपरेखा से तैयार करके पूरे विदेशों में इनको प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे। मेरा शुरू से यही सपना है कि ट्रेनिंग होना और उसके बाद का जो काम है वो हमारा है। ट्रेनिंग करने तक का गोपाल जी के साथ हम उनके प्लान कर रहे हैं और जो ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जो काम यहाँ पे ये सीखेंगे उस प्रोडक्ट को देश और विदेशों में कैसे लेके जाना है उस पर हमने पहले से ही काम शुरू कर दिया है और वो काम हम पूरा करेंगे। धन्यवाद।